Hello students, I am Neela Pandian. Welcome you all in SAY classes. So today we are going to study the next topic, that is immunity. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे immunity के बारे में. So what is immunity? Immunity is the ability of the host organism to fight against the disease causing agents. जब भी कोई disease causing agent किसी भी particular organism की body में enter करता है, तो उस time पे जो उसकी body होती है, वो उसके साथ क्या करती है, फाइट करती है और उस पर्सन को क्या करेगी, उस डिजीज से बचाने की कोशिश करेगी. तो ये जो एबिलिटी है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कि वो किसी भी डिजीज कॉजिंग जो एजेंट है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इम्यूनिटी हम क्या है, काफी सारे डिजीज से अपने आप को बचा पाते हैं. अब देखो जो इम्यूनिटी होगी वो कितने तरीके की होगी. सो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द इननेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब इननेट और एक्वायर्ड में क्या डिफरेंस होगा? इननेट मीन्स फ्रॉम द बर्थ, ठीक है. इसका मतलब क्या होगा, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है वो उस पर्सन के पास उसके जन्म से होती है. बट एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होंगे, दो ट्रेट्स विच आर गेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका मतलब ये इम्यूनिटी क्या है, उसने बाद में गेन की है. यानी कि दिस इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है. ये बर्थ के बाद जब वो उस डिजीज के कॉन्टेक्ट में आएगा या उस डिजीज कॉजिंग एजेंट के कॉन्टेक्ट में आता है, उस टाइम पे जनरेट होती है, तो ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस इननेट इम्यूनिटी. जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होगी. यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग चीजें होंगी जो कि एक्ट करती हैं इन दिस इननेट इम्यूनिटी. एज आई टोल्ड यू, इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट है. इसमें आपका आ जाता है फिजिकल बैरियर सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स. ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है ये इम्यूनिटी मेनली बैरियर्स को फॉर्म करती है, सो दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एंटर ना कर सके, और अगर कर भी जाता है तो कुछ एक लैब उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करती है. अब देखो जो फिजिकल बैरियर होगा इसका मतलब क्या है कि उस जर्म को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकना, टू प्रिवेंट दैट ऑर्गेनिज्म टू एंटर इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन. तो इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, इट इज द स्किन. जो हमारी स्किन होगी वो क्या है, फिजिकल बैरियर है जो कि प्रिवेंट करती है उन जर्म्स को एंटर करने से इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन. अब ये हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यानी कि सबसे पहला घेरा जो कि क्या करेगा, उस ऑर्गेनिज्म को रोकेगा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से. इसके साथ साथ जो स्किन होती है इसके ऊपर क्या होते हैं, कई म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होती हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करेगी. ये जो म्यूकस होगा इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू द बॉडी ऑफ द पर्सन. अब देखो इसके अलावा कुछ एक जो ओपनिंग्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनो जेनाइटल ट्रैक, एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स. तो ये जितने भी हमारे ट्रैक होते हैं जहां से की पॉसिबिलिटी है वो जर्म एंटर कर सकता है, इनके पास भी क्या होंगी, म्यूकस की कोटिंग होती है. ये जो म्यूकस की कोटिंग होगी इट विल ट्रैप दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन दैट प्लेस, और वो उसको क्या करेगी, बॉडी के अंदर एंटर होने से प्रिवेंट करती है. सेकेंड क्या आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर. लेट सपोज जो जर्म था वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, उस टाइम पे जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्टमक रीजन है वहां पे क्या होता है, एच सी
एल प्रेजेंट होता है। एज यू नो ये जो एचसीएल है इट इज हाईली एसिडिक। ये क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। और इसका मेन काम क्या होता है यहाँ पे? एक तो ये हमारे पेप्सिन एंजाइम को जो पेप्सिनोजन फॉर्म थी उससे एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। बट इसके साथ साथ हमने इसका एक और रोल पढ़ा था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड उनको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये किसने आ जाता है? हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर ही आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारा सलाइवा होता है इनटू द माउथ, जो सलाइवा है हमारे माउथ के अंदर, इसके अंदर भी कुछ एक एंजाइम्स होंगे लाइक लाइसोजाइम, वो क्या करते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। सो दैट जो बैक्टीरिया है वो क्या हो? ग्रो ही ना हो। तो वो भी किसमें आता है? हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगा। अब इसके अलावा एक और एग्जांपल, जो हमारे टीयर्स होते हैं दैट इज सिक्रीटेड बाय द लैक्रिमल ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है? लैक्रिमल, जो कि हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट होंगी और ये क्या करेंगे? हमारी टीयर को सिक्रीट करती है। ये जो टीयर होगा ये भी क्या करता है? माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। सो ये जो होगा ये किसमें आता है? हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर। नेक्स्ट इज सेलुलर बैरियर, यानी कि अब वो बॉडी के अंदर एंटर भी हो गया तो उस टाइम पे क्या होंगे? जो सेल्स होंगी, सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, एंड न्यूट्रोफिल्स, ये जो सेल्स होती हैं एज यू नो दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या है ये? फैगोसाइटिक इन नेचर होती है। जब हमने WBC के टाइप्स पढ़े थे तो उसमें हमने कहा था कि जो हमारा WBC है इट इज डिवाइडेड इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। जो हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स थे उसमें हमने एग्जांपल पढ़े बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल्स की, और जो हमारा एग्रेन्युलोसाइट वाला था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। तो जो मोनोसाइट्स होते हैं व्हेन दे मूव इनटू द टिश्यू दे आर नोन एज मैक्रोफेजेस, वो मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट होंगी। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये क्या है? फैगोसाइटिक इन नेचर, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस को शो करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है लाइक बैक्टीरिया, उसको वो क्या करेंगे? ईट अप कर लेंगे और उसको डाइजेस्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसमें ये किसमें आता है? हमारा सेलुलर बैरियर में, कि जो सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर लाइक मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करेंगे? उन फॉरेन एजेंट्स को लाइक बैक्टीरिया, उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं और हमें क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है? साइटोकाइन बैरियर। इसके अंदर क्या होगा? तो इसको समझो आप कि जो हमारे साइटोकाइन बैरियर्स होंगे इनके अंदर क्या होगा? लेट सपोज यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट है, हियर आर द सेल्स, इन सेल्स के अंदर क्या हुआ? वायरल इंफेक्शन हो गया। अब ये जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है इन दी सेल्स, वो दूसरी सेल के अंदर ट्रांसफर ना हो, यानी कि जो दूसरी सेल है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले इससे। सो दीज वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट केमिकल नोन एज इंटरफेरोन। ये क्या करती है? इंटरफेरोन्स को सिक्रीट करेंगी, जो कि इन जो कि वायरस इन्फेक्टेड नहीं है अभी, उन सेल्स के पास क्या करेगा? मैसेज सेंड करेगा सो दैट ये अपने आप को क्या करें? बचा सके। इन द सेम वे जस्ट लाइक कि कोई दो हमारे पास क्या है? राज्य है। इस वाले के ऊपर क्या हुआ? किसी ने अटैक कर लिया। अब वो अटैकर कौन है? वायरस है। नाम रख दिया हमने उस पर्सन का जो कि अटैक कर रहा है। तो उस वायरस ने क्या किया? इस ग्रुप ऑफ सेल दैट इज ए और बी, ये दो राज्य थे, इसने क्या किया? वायरस ने इस ए राज्य के ऊपर अटैक किया, क्योंकि इसको इसकी कोई जानकारी थी नहीं। ऑल ऑफ अ सडन अटैक होने की वजह से ये क्या हुआ? हार गया। बट हार गया मतलब इसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इसने क्या किया? अपने मैसेंजर्स दैट इज इंटरफेरोन जो कि केमिकल है उसको इसने क्या किया? सेंड कर दिया नियर बाय सेल्स के पास, जो कि क्या है? हमारा बी राज्य है, कि ये क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि ये प्रिपरेशन कर ले। मैं तो प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, लेकिन तुम अपने आप को बचा सकते हो, तुम अपने आप को क्या करो? प्रिपेयर करो। तो ये जो इंटरफेरोन्स होंगे ये क्या करेंगे? इन सेल्स के पास जाएंगे और इनको क्या करेंगे? इस वायरल इन्फेक्शन से बचने में हेल्प करेगा। सो ये जो केमिकल है इट इज द इंटरफेरोन, और इस तरीके का जो मैकेनिज्म होगा वो किसमें आएगा? हमारा साइटोकाइन बैरियर के अंदर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनेट इम्यूनिटी में हमारे मेनली बैरियर्स आते हैं लाइक फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन।
फिजिकल मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, वो उसको वहीं पे रोकेगा. लाइक स्किन, स्किन क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द जर्म्स इनटू द बॉडी. जब भी हमें कहीं कट लगता है या हम क्या करते हैं कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को ले लेंगे या कोई मॉस्किटो है उसने क्या किया हमें बाइट किया, उस केस में ही जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं इस फिजिकल बैरियर को तोड़ के. फिर आया फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमने कहा कि जो टीयर है, हमारा स्लाइवा है, एज वेल एज जो हमारा एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, वो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आता है. फिर सेलुलर बैरियर, सेलुलर में हमने बोला मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, और साइटोकाइन में हमने क्या बात की, इंटरफेरॉन्स की. नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब उसको स्टार्ट करेंगे, तो अब उस टॉपिक को स्टार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इससे पहले हमने बोला इनेट इम्यूनिटी के बारे में, वो क्या थी, दैट वाज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि वो जन्म से थी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है इट इज गेन्ड आफ्टर द बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद काम करेगी, और ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होगी. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर. पैथोजन स्पेसिफिक मतलब कि जो पैथोजन होगा वो जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, एक्टिवेट होगी, और वो क्या करती है फिर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी. जो हमारा इम्यून सिस्टम है इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन. फिर उसके बाद क्या होगा, तो अब उसको समझते हैं. देखो हमें इसे पढ़नी है दो रिस्पॉन्सेज, ठीक है. फर्स्ट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स, एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स. अब देखो ये वर्क किस तरीके से करता है. लेट सपोज हियर इज द बैक्टीरियम, ये जो बैक्टीरिया था इसने क्या किया, अटैक किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. इस बैक्टीरियल सेल ने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम अटैक किया हमारे बॉडी के अंदर. इन दैट केस एज बिकॉज ये क्या कर रहा है, फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है. अब देखो कोई ऑल ऑफ ए सडन, लेट सपोज यू हैव अ ग्रैंड पैलेस और आपका एक ग्रैंड किंगडम है. अब आपको नहीं पता ऑल ऑफ ए सडन किसी अननोन जो आपका एनिमी था उसने क्या किया, आपके ऊपर अटैक कर दिया ऑल ऑफ ए सडन. यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ फाइट, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे. इवन यू हैव नो आइडिया व्हाट टाइप ऑफ वेपन्स दैट एनिमी हैव, आपको ये भी नहीं पता उसके पास किस तरीके के क्या हैं औजार प्रेजेंट है, ठीक है, या कौन कौन से उसके पास क्या है, जो भी मटेरियल है उसके पास बॉम्ब है, उसके पास तोप है, यू डोंट नो. अब उस केस में जब आपको उसकी स्ट्रेटेजी ही नहीं पता कि हाउ ही विल अटैक ऑन यू, हाउ विल यू डिफेंड योरसेल्फ, आप उसको नहीं डिफेंड कर सकते क्योंकि वो तो पूरी प्लानिंग के साथ आया, वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो उसने सब कुछ सोच रखा था पहले से और ही वॉज टोटली प्लान, बट यू आर नॉट प्लान अबाउट दैट. तो उस केस में क्या होगा, आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आप उसको डिफीट कर दें, आप उसको हरा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा और तब तक क्या होगा, आपके किंगडम के अंदर डैमेज कोच हो चुका होगा. इन द सेम वे आवर होल बॉडी इज जस्ट लाइक अ किंगडम, अगर इसके अंदर कोई बाहर से एनिमी दैट इज अ बैक्टीरियम और कोई भी पैथोजन वो अटैक करता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में. जब ये हमारी जो बॉडी है इसको आइडेंटिफाई करेगी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है. आइडेंटिफाई होने के बाद क्या होंगे, जो सिग्नल्स होंगे, मैसेजेस होंगे, वो रीच करेंगे टू आवर WBCs, वो क्या होंगे, WBC में जाएंगे. WBC में भी मेनली किसके पास जाएगा, वो लिम्फोसाइट्स के पास. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जो ये लिम्फोसाइट्स थी एज यू नो इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज द बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज द टी लिम्फोसाइट. अब क्या हुआ, जो आइडेंटिफाई हुआ, आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हैं, तो ये इसको आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन्स, ठीक है. ये जो बैक्टीरियल सेल थी, ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है, जब इन्फेक्शन करेगी तो ये क्या करती है, एंटीजन्स जो कि केमिकल्स होंगे उनको रिलीज करेगी. ये जो केमिकल्स होंगे इनको क्या करते हैं, जो हमारा लिम्फोसाइट होगा वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. एज अ रिजल्ट जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं they produce antibodies, ठीक है, these are proteins. ये जो antibodies होंगी इनको B lymphocyte क्या करेगा, produce करेगा. अब ये जो antibodies होती हैं they bind with this antigen, ये antigen specific होंगी और ये क्या करेगी, इन antigen के साथ bind करेंगी
और फिर क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या करेंगे, किल करने में हेल्प करेगा। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनको प्रोड्यूस तो बी लिम्फोसाइट कर रहा है, तो इस टी लिम्फोसाइट का क्या काम होगा? जो टी लिम्फोसाइट्स हैं आपको याद रखना है, इसमें एक हमारा हेल्पर टी सेल होगा और दूसरे क्या होते हैं इसमें मेमोरी सेल्स होती हैं, ठीक है। अब देखो जो ये हेल्पर टी सेल्स होती हैं, दीज हेल्पर टी सेल्स विल हेल्प दिस बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस दीज एंटीबॉडीज। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे ये इसकी हेल्प करेगा कि ये इन एंटीबॉडीज को क्या करे, प्रोड्यूस करे और फिर बॉडी को क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। जो हेल्पर टी सेल्स है वो इसकी हेल्प कर रही हैं। जो ये मेमोरी सेल्स होंगी इनका क्या काम है, मेमोरी, मेमोरी मतलब याद रखना। तो ये जो मेमोरी सेल्स होंगी दे विल रिमेम्बर दिस पैथोजन, वो इसको क्या करेंगी, याद रखेंगी कि अगर फ्यूचर में ये अटैक करता है तो उस टाइम पे ये जो हमारे हमारा लॉन्ग प्रोसेस टेक प्लेस किया, ठीक है, ये इतना स्लो प्रोसेस अकर किया है, ये प्रोसेस क्या हो, बहुत फास्ट हो, इसलिए ये इसको क्या करेगा, याद रखेगा। तो जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स कब होगा, जब ये पैथोजन क्या करता है हमारा सेकेंड टाइम अटैक करेगा। फर्स्ट टाइम इसने अटैक किया, हमारी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की, इसको इसके अगेंस्ट फाइट किया है और हमें क्या किया, बचाया। सेकेंड टाइम जब सेम जो पैथोजन है वो अटैक करता है तो उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होगा इट विल बी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। इस टाइम पे क्या होगा, ये जो मेमोरी सेल्स होंगी वो इसको क्या करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी और इसको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, क्योंकि इसको अब पता है कि इसके पास कौन सा एंटीजन है और उसके लिए इसको कौन सी एंटीबॉडी क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। तो ये क्या था हमारा इम्यून सिस्टम जो हमने पढ़ा। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है इसके अंदर जो ये एंटीबॉडीज बनी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एज आई टोल्ड यू ये प्रोटीन्स की बनी होगी, इसके अंदर क्या होती है फोर पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, ठीक है, इसमें क्या होंगी फोर चेन्स होती हैं पेप्टाइड की, टू विच आर नोन एज हैवी चेन, दो क्या होंगी हैवी चेन होंगी, ये क्या होती हैं लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और दो जो होंगी इसमें से वो क्या होंगी नोन एज लाइट चेन, वो क्या होती हैं शॉर्ट होगी, ठीक है, ये क्या होती हैं शॉर्ट होती हैं छोटी रिंग। इसका फॉर्मूला कैसा लिखेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2L2, H means heavy, L means light, 2 heavy की थी तो 2 नीचे लिख दिया और लाइट की कितनी है 2, तो नीचे क्या लिखा हमने 2। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एंटीबॉडीज, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं IgA, IgM, IgE and IgG. These are some examples of the antibodies that are produced in our body. ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले कुछ एक क्या है एंटीबॉडीज हैं। अब देखो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं IG. What does this word stand for? ये इसका मीनिंग क्या होता है? तो IG it is इम्यूनोग्लोबुलिन। जब हमने प्लाज्मा पढ़ा था तो हमने कहा था प्लाज्मा के अंदर ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या है, वही इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में लाइक ए एम ई एंड जी, ये क्या होगा इनको प्रोड्यूस करेगा। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड वाला, ये दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट तो हमने पढ़ा कि क्या है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके काम करेगा, सेकंड क्या होता है ये सेल मीडिएटेड होता है, ठीक है। अगर ये एंटीबॉडीज मीडिएटेड है तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड है तो उस टाइम पे हम बोलेंगे इसको ह्यूमरल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और अगर सेल मीडिएटेड है तो उस केस में क्या होगा ये हमारा टी लिम्फोसाइट जो हमारी ये क्या करेंगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर काम करती हैं, और ये क्या हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्या थे हमारे जो एंटीबॉडी थी और जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स था वो था। कई बार क्या होता है जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस केस में क्या होगा जो डोनर होगा उसका अगर मैच नहीं किया विद द रेसिपिएंट तो उस केस में क्या होता है ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो फेल क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसके पास प्रॉपर्टी है दैट इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सेल एंड नॉन सेल्फ सेल्स। जो हमारी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स होंगी, सेल्फ मतलब जो हमारी बॉडी की खुद की थी, नॉन सेल्फ मतलब जो बाहर की है।
हमारी बॉडी की नहीं थी, तो उसके पास प्रॉपर्टी है दैट इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है ये। इसी वजह से क्या होता है, ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये तो था कि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा हमें जन्म से मिला या हमने उसको क्या किया बाद में उसके अगेंस्ट फाइट करके गेन किया। इसके साथ साथ हम और भी टाइप पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम की, जिसमें आते हैं हमारे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तब हम उसको स्टडी करेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब देखो जो एक्टिव है एंड जो पैसिव इम्यूनिटी है हमारी, ये क्या होती है, दिस इज द इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय अवर ओन बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करेगी। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर करती है। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जो हमने अभी पढ़ा कि जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के, वो वीकेंड भी हो सकता है, एक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। जब वो हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है और क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो वो क्या होगा, हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होगा। ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना, उसके अगेंस्ट फाइट करने में क्या करता है, टाइम लेता है वो। लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा तो ये क्या करेगा, फास्टली काम करेगा। बट जो पैसिव इम्यूनिटी है ये क्या होगा, इट इज गेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अदर पर्सन। ये क्या है, गेन की जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, गेन किया जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा कोलेस्ट्रॉल का, दैट इज द फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्टुरेशन। आफ्टर पार्टुरेशन जो फर्स्ट मिल्क सीक्रेट होता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स, इट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आपने सुना भी होगा कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द बेबी। व्हाई, एज बिकॉज इट कंटेन्स एंटीबॉडीज इन इट। मेनली जो एंटीबॉडीज में प्रोड्यूस होती है या प्रेजेंट रहती है, इट इज ऑफ IgA। जो ये एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होगी और वो क्या करेगी, जो बेबी होगा उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या हुआ, हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही है। पैसिव के अंदर क्या होगा, बाहर से जो एंटीबॉडी होंगी वो क्या होंगी, उस पर्सन को मिलेंगी। इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की एंड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस की। एज यू नो, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वीकेंड जर्म्स होते हैं, पैथोजन होते हैं या जो डेड पैथोजन होंगे, उनको इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि बॉडी को क्या करना, जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करना कि वो क्या करे, किसी भी पैथोजन से फाइट कर सके इजीली। अब इसका जो मेन प्रिंसिपल है इन दोनों का, वो क्या होता है हमारा, जो हमने पढ़ा अभी रिस्पॉन्स के बारे में, प्राइमरी रिस्पॉन्स जो पढ़ा, वही क्या होता है इसका प्रिंसिपल होगा, जो कि जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन और जो इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको करवाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो वीकेंड और डेड पैथोजन्स होती हैं, क्योंकि वो वीक है, डेड है, वो हमारी बॉडी को हार्म कोज नहीं करेगा, उनको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है इनटू द बॉडी। अब वो जो पैथोजन्स होंगे उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी होगी वो क्या करेगी, सेम प्रोसेसर को फॉलो करते हुए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, एज वेल एज मेमोरी सेल्स भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये जो मेमोरी सेल्स होंगी वो उस पैथोजन को याद रखेंगी और फ्यूचर में जब वो पैथोजन अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। तो ये क्या था, इसका प्रिंसिपल था जिसके बेसिस पे इसने काम किया। इसमें भी हमारा एक टर्म आता है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा, देखो जो फर्स्ट केस बोला हमने, उसमें हमने कहा कि हम वीक पैथोजन को एंटर करवाएंगे और उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। बट इसके केस में क्या हो रहा है, पैसिव के केस में, इन द सेम वे दिस वन, जो एंटीबॉडीज होंगी वो किसी और पर्सन के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, उन एंटीबॉडीज को एंटर करवाया जाएगा हमारी बॉडी में वाया इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू जो एंटीबॉडीज होती है उनको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा। एज रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो वो एंटीबॉडीज होंगी वो बॉडी के अंदर काम करेंगी, जो भी उनका काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज किसी पर्सन को क्या हुआ, जो रस्टेड आयरन था उसे चोट लग गई है और वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, टेटनस का इंजेक्शन लगा दिया। अब उस टेटनस के इंजेक्शन में एक्चुअल में था क्या, उसमें थी रेडीमेड एंटीबॉडीज,
जो कि उसको क्या करेंगी, प्रोटेक्शन करेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी अगेंस्ट द टेटनस, ठीक है। इसी तरीके से जो स्नेक विनोम है, लेट सपोज किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया, उस केस में जो स्नेक विनोम होगा उसके अगेंस्ट में क्या की जाती है, एंटीबॉडीज दी जाती हैं टू द पर्सन जिसको क्या किया, स्नेक ने बाइट किया, वो क्या करेंगी, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करेंगी उस स्नेक विनोम से। आज के टाइम पे जो बैक्टीरिया है, यीस्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम क्या करें, एंटीबॉडीज को इनको यूज करके क्या करें, प्रोड्यूस करें। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या होंगी, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस की जा सकती हैं और उसको क्या करेंगे, लार्ज पर्सन तक, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन तक क्या किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज द एलर्जी, ठीक है। इसी के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि गिवन है, ये क्या है, एलर्जी। एलर्जी के अंदर क्या होता है, कई बार देखो क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं, कुछ जो पर्सन होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव, वो क्या होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे वो बाहर निकले या किसी दूसरे एरिया के अंदर गए तो वहाँ पे क्या होता है, उनको कुछ एक सिम्टम्स दिखाई देंगे, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, वॉटरी आइज होना, इसके साथ साथ क्या होगा, बीजिंग, यानी कि विस्लिंग के साउंड प्रोड्यूस होना व्हेन द पर्सन ब्रीद। तो ये क्या है, सिम्टम्स होते हैं दैट आर शोन बाय द पर्सन हु इज एलर्जिक। अब उसके इसमें उसको एलर्जी पैथोजन से भी हो सकती है या फिर क्या है, जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं लाइक पोलन ग्रेन्स होंगे, माइट्स हो गए, तो इनसे भी क्या होता है, इवन डस्ट पार्टिकल से भी उनको एलर्जी हो सकती है। तो वो क्या होगा, पर्सन क्या होगा, ये सिम्टम्स को शो करेगा, तो उसके इसमें हम क्या कहेंगे कि उस पर्सन को क्या है, एलर्जी। अब ये एलर्जी काम किस तरीके से करती है, देखो नॉर्मली हमारी जो बॉडी है, हमने बोला कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकती थी। कुछ केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स लाइक पोलन ग्रेन्स हो गए, डस्ट पार्टिकल, जब वो एंटर करते हैं बॉडी के अंदर, जब वो पर्सन ब्रीथ करेगा, तो उस केस में जो वो बॉडी होती है उसको क्या करती है, एज अ फॉरेन पार्टिकल, और ये समझ के कि वो उसको हार्म कोज कर सकता है, वो क्या करेगी, वहाँ पे रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। उस टाइम पे जो हमारी मास्ट सेल्स होती हैं, दीज मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये क्या करेंगी, इन दो केमिकल्स को सिक्रेट करना स्टार्ट कर देंगी, एज अ रिजल्ट जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के वो विजिबल होंगे। तो अब इस चीज़ को बचा कैसे सकते हैं हम अपने आप को, या कोई पर्सन है वो एलर्जिक है, उसको क्या हुआ, एलर्जी हो गई, तो उसके इसमें क्या किया जाता है, एंटी हिस्टामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, या फिर जो स्टेरॉइड्स होते हैं, या फिर जो स्टेरॉइड्स होंगे वो क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं एज अ मेडिसिन, जो कि इन सिम्टम्स को क्या करता है, ओवरकम करने में हेल्प करेगा। तो क्या था, एलर्जी का। अब देखो एलर्जी का मेन रीजन क्या होता है, जब हमारी बॉडी क्या है, अलग अलग चीज़ों को, जब हम ग्रोइंग फेज में होते हैं उस टाइम पे, जब वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के कांटेक्ट में आती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, कुछ एक चीज़ों से फैमिलियर हो जाएगी। लेट सपोज कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, वो क्या है, किसी सिंपल से सिटी में जो कि ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ रह रहा है, तो उस केस में वो डस्ट के कॉन्टेक्ट में भी आ रहा है, जो फ्लावर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में भी आ रहा है, पोलन ग्रेन्स, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट जो पर्सन है इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज, ठीक है, मेट्रो सिटीज के अंदर मेनली जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस केस में जो बच्चा होगा वो काफ़ी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहता है, राइट, वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, डस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता, जो फ्लावर्स होंगे या जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में इतना जल्दी नहीं आता। एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन, जब वो फ्यूचर में कभी उन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उनकी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। अब जो एलर्जी होती है, इसके अंदर आपको याद रखना है एक एंटीबॉडी को, जो कि यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटेड होती है, वो क्या होगी, IgE, ठीक है, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या होता है, यहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज होगी जब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी रिएक्शन देखेंगे। तो IgA कहाँ था, कोलोस्ट्रम के अंदर, और IgE कहाँ है, जब एलर्जी रिएक्शन होगी वहां पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है आपकी बुक के अंदर, इट इज ऑटो इम्यूनिटी, और इसमें आपका है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। अब देखो हमने बोला हमारी बॉडी वो क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल। तो जब ये ऑटो इम्यूनिटी होता है, यानी कि उस केस में क्या होगा, जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, इन दैट केस जो पर्सन का इम्यून सिस्टम होगा वो खुद की सेल्स को, यानी जो सेल्फ सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, एज अ फॉरन, यानी कि नॉन सेल्फ सेल के तरीके से रिकॉग्नाइज करेगा और उनको अटैक करना स्टार्ट कर जाता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, इसको ऑटो इम्यूनिटी डिजीज बोलते हैं।
ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच व्हाट विल हैपन, जो जॉइंट वाला रीजन होता है वहां पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, एज अ रिजल्ट उस रीजन में क्या होता है, पेन होता है। और ये जो डिसऑर्डर है ये क्या है, फैल भी सकती है, यानी कि लेट सपोज किसी पर्टिकुलर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन अकर किया था, सो दिस इन्फ्लेमेशन कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या था, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी रिकोगनाइज द सेल्फ सेल्स एज नॉन सेल्फ सेल एंड एक्ट अगेंस्ट दैट सेल, और उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। Now we'll talk about the last topic of this immunity topic, जो हमारा immunity था इसका जो last sub topic है that is the lymphoid organs। ठीक है, जो हमारे lymph organs हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक देखो हमने बोला कि जो हमारी antibodies हैं ये क्या हो रही है, produce हो रही है, right? Antibodies produce हो रही हैं, antibodies काम कर रही हैं, lymphocytes present हैं, तो ये जो lymphocytes थे हमारे, ठीक है, वो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो WBC है वो फॉर्म कहाँ होती है, तो हम पढ़ेंगे अबाउट लिम्फोइड ऑर्गन्स। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं मेनली, जो कि हमारे बी हैं टी हैं, जो कि काम करते हैं इन द इम्यून सिस्टम, एज वेल एज जो हमारा WBC है वो, क्योंकि ये सोल्जर ऑफ द बॉडी है तो ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो ये वो ऑर्गन है लिम्फोइड ऑर्गन्स जहाँ पे जो ये हमारे इम्यून सेल्स होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड, दे विल मैच्योर हेयर एंड दे विल प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब कि यहाँ से क्या होगी, रिलीज हो जाएंगी और क्या करेंगी, अपना काम करेंगी। तो ये ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे क्या करेगा, ये काम करेगा। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें आता है हमारा थाइमस, बोन मैरो, स्प्लीन, पियर्स, पैक्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स, इसके अलावा जो थाइमस रीजन है वो, और जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो सब। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे वो ऑर्गन्स हैं जहां पे हमने बोला कि हमारे इम्यून सेल्स होंगी वो सारी की सारी या तो प्रोलिफरेट हो रही है, मैच्योर हो रही है, वहां से क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है। तो अब ये क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, तो इनमें से जो ये ऑर्गन्स हमारे जो हमने बोले थाइमस, बोन मैरो, ये जो ऑर्गन्स होंगे दीज आर नोन एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और जो ये रेस्ट ऑफ द बचे दीज आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब देखो हमने इनको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बोला, जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होंगे लाइक थाइमस एंड द बोन मैरो, हमने थाइमस को यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना है, ऊपर वाले भी लिखेंगे क्योंकि ये क्या हमारा प्राइमरी है। अब देखो जो थाइमस और बोन मैरो है ये हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि इस रीजन के अंदर ये जो फर्स्ट टू प्रोसेस होती हैं, यानी कि जो हमारी लिम्फ की सेल्स थी, जो हमारा लिम्फ है वो क्या कंटेन करता है, WBCs को कंटेन करता है, राइट। अब जो ये उसके अंदर जो सेल्स है हमारी, उसमें जो हमारे मेनली लिम्फोसाइट्स होंगे उनका प्रोडक्शन, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स है वो बन रहे हैं, वो कहाँ बनेंगे, इन दीज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ये बनेंगे। आफ्टर दैट वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, अपने फंक्शन को अटेन करेंगे। ठीक है, जो सेल्स थी वो प्रोड्यूस हुई, उन सेल्स ने क्या किया, अपना जो पर्टिकुलर फंक्शन था उसको अटेन कर लिया और वो क्या हो गई, मैच्योर हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था उनके प्रोडक्शन का और उन सेल्स के मैच्योरेशन का, ये कहाँ टेक प्लेस करेगा, इन दीज प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन के अंदर क्या है, जो हमारी सेल्स होंगी जो कि इम्यून सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी और वो वहाँ मैच्योर होती है। बट जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होंगे लाइक स्प्लीन, पियर्स, पैक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, दीज आर द रीजंस वेयर दे प्रोलिफरेट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द लिम्फोसाइट्स
एंड द एंटीजन और यू कैन से जो भी कोई फॉरेन एजेंट है उनके बीच में क्या होगा इंट्रैक्शन टेक प्लेस करेगा, यानी कि इन पार्ट्स में जा करके ये स्टोर हो जाएंगी और यहाँ से क्या करेंगी प्रोलिफरेट होकर के अटैक करेंगी जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा उसके साथ। तो ये क्या था हमारा लिम्फोइड ऑर्गन थे। अब देखो इसमें जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं दे एक्ट एज अ फिल्टर, ये क्या करते हैं फिल्टर के तरीके से काम करेंगे। जो हमारे लिम्फ नोड्स होंगे ये क्या करते हैं फिल्टर के तरीके से एक्ट करते हैं। किस तरीके से करेंगे तो उसको समझो, लेट सपोज यहाँ पे क्या था हमारा लिम्फ नोड प्रेजेंट था, तो जो लिम्फ है व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड जो कि क्या है एक्चुअल में वो हमारा इंटरसेलुलर फ्लूइड था जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। जब वो टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया दैट इज द टिश्यू रीजन था वहां से सीप करके लिम्फ कैपिलरीज के अंदर एंटर करेगा एट दैट टाइम हम इसको बोलते हैं लिम्फ, है ना, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखो जो ये लिम्फ था जब ये क्या होता है मूव करता है थ्रू द लिम्फ वेसल्स, जो ये लिम्फ वेसल है इनके थ्रू जब ये लिम्फ क्या करता है मूव करता है तो इन लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या होते हैं लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। इन लिम्फ नोड्स पे एज आई टोल्ड यू जो हमारे लिम्फोसाइट्स होंगे वो क्या करते हैं इस रीजन में प्रोलिफरेट करके आते हैं, जो हमारे डब्ल्यूबीसी के साथ होंगे वो यहाँ क्या होंगी प्रेजेंट होंगी। इस रीजन में जो भी हमारे डब्ल्यूबीसी के सेल लाइक मैक्रोफेजेस होगी ईओजिनोफिल है लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या होंगी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। अगर इस लिम्फ के अंदर क्या होगा कोई भी पैथोजन प्रेजेंट होगा, लेट सपोज इसके अंदर कोई भी पैथोजन प्रेजेंट था तो यहाँ पे जो ये हमारी इम्यून सेल्स प्रेजेंट हैं दे विल रिकॉग्नाइज इट और वो क्या करेंगे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आफ्टर दैट जब ये लिम्फ जाएगा यहाँ पे तो ये क्या हो गया फिल्टर हो चुका है, अब इसके अंदर कोई भी जर्म प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरीके से जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे एक्ट एज अ फिल्टर और ये क्या करते हैं लिम्फ को फिल्टर करने में हेल्प करेगा। जो स्प्लीन है इट एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ द आरबीसीज, ये आरबीसी के जो रिजर्वोयर होगा उसके तरीके से एक्ट करता है। लेट सपोज बॉडी को क्या है लो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, इन दैट केस ही क्या करता है उस आरबीसी को स्टोर कर लेगा और जब बॉडी का जो प्रेशर है या जो बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट है वो कम हो रहा है, लेट सपोज चोट लग गई उस केस में ब्लड फ्लो हो गया है तो उस केस में जो स्प्लीन होगा वो क्या करेगा आरबीसी को रिलीज कर देगा। तो ये तो इसका फंक्शन था और ये जो ऑर्गन्स है वो आपकी 9th क्लास में ऑलरेडी आए हुए हैं। अब देखो जो थायमस रीजन है, जो थायमस रीजन था हमारा एज यू नो ये रीजन क्या होता है बच्चों के अंदर जो बच्चे होंगे यानी कि स्मॉल चाइल्ड है अभी उसके अंदर इनका साइज क्या होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो यंग मंस होंगे उनके अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी ग्रोथ होती है जो थायमस रीजन होता है इसकी क्या होती है जो साइज होगा वो छोटा होने लगेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या होगा जस्ट बिलो द नेक, नेक के जस्ट नीचे और चेस्ट के अपर पार्ट में जो ये हमारी यहाँ पे ब्रेस्ट बोन होती है दैट इज नोन एज स्टर्नम, उस पार्ट के पास क्या होगा ये प्रेजेंट होगा। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी वैसे वैसे इसका साइज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। इस थायमस रीजन का एक काम ये भी है कि ये गाइड करता है लिम्फोसाइट्स को कि वो सेल्फ और जो नॉन सेल्फ सेल्स होती है हमारी उनके बीच में क्या करे वो डिस्टिंग्विश कर सके। सो इट वाज ऑल अबाउट योर लिम्फोइड ऑर्गन्स। इसमें हमारे कुछ एक ऑर्गन दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स भी होते हैं जिसे हम माल्ट कहते हैं, यानी कि अगर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे सो व्हाट विल यू से इट इज माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो टिश्यू होंगे ये प्रेजेंट होंगे इन द एरियाज लाइक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यूरिनोजेनिटल ट्रैक और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा वहां पे ये प्रेजेंट होंगे और उन रीजंस में से लेट सपोज अगर कोई जर्म जो है वो एंटर करने की कोशिश करता है तो ये उनको वहीं पे ट्रैक करके क्या करते हैं उनको किल करते हैं। हमारे बॉडी का जो टोटल 50% पार्ट होता है जो कि इस लिम्फोइड ऑर्गन का होगा वो ये माल्ट होते हैं यही फॉर्म करते हैं और यू कैन से जो 50% है टोटल लिम्फोइड टिश्यू का हमारा वो ये माल्ट है कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये क्या करेगा फॉर्म करेगा। तो अब जो ये टॉपिक था आपका दैट इज इम्यूनिटी वो क्या हो गया फिनिश हो गया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।